इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रसिव कोर्स डिजी ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे डाउनलोड कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिजी में यूजीसी ने तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनी हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनालॉक इलेक्ट्रॉनिक्स सो एनलॉक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अगर आप गेट एग्जाम की बात करते हैं तो गेट के एग्जाम में एट टू मार्क्स आप एवरी ईयर एक्सपेक्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ट्वेल्व मार्क्स तक के क्वेश्चन भी आते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट और अगर आप नेट एग्जाम की बात करते हैं तो नेट एग्जाम में भी एट टू टेन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से एवरी ईयर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि इनमें से आप एक क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं एक से दो क्वेश्चन एवरी ईयर इसके अलावा डायोड्स डायोड से भी आप एवरी ईयर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंग होगी आपके लिए वो ये होगी कि डायोड्स, बीजेटी फैट इन सबका जो बेसिक्स आपने ईडीसी में स्टडी किया है पहले आप उसे रिवाइज कर लीजिए उसके बाद आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आज की क्लास में जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और फर्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है दैट इज पावर सप्लाई ठीक है तो अगर हम बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें आपके इनपुट और आउटपुट जो होंगे वो आपके एनालॉग सिग्नल्स होंगे ठीक है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनपुट सिग्नल भी और आउटपुट सिग्नल भी दोनों ही आपके एनालॉग होंगे दैट मींस आप एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर एम्पलीफायर्स जिसका मैंने अभी अभी आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रिएक्टिफायर ठीक है जो पावर सप्लाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउ अब अगर हम ये डिस्कस करें कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एडवांटेजेस क्या हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रियल टाइम सिग्नल्स आपके होते हैं वो एनालॉग होते हैं ठीक है

एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं रजिस्टर ठीक है जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था या आप बोल सकते हैं काउंटर्स ठीक है तो काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भी अपने एडवांटेजेस हैं जैसे कि डिजाइन करना बहुत ईजी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को इफेक्ट ऑफ नॉइस जो होता है वो काफी लेस होता है ठीक है और आप बोल सकते हैं कि डिजिटल डाटा को आप स्टोर भी कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा इजी टू डिजाइन इसके अलावा आप बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज ठीक है तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लेकिन एनालॉग सर्किट का जो मैंने आपको एडवांटेज बताया कि मेजोरिटी ऑफ रियल टाइम सिग्नल्स आर एनालॉग ठीक है इसलिए आप डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं तो यह एडवांटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एस कंपेयर टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्लियर है और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए कि एनालॉग सर्किट कैन ऑपरेट एट हाइयर पावर लेवल्स ऑल्सो ठीक है चूंकि अभी हमें एनालॉग सर्किट ही पढ़ना है तो उसके एडवांटेजेस को हमें ध्यान में रखना होगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा पावर सप्लाई ठीक है तो पावर सप्लाई बेसिकली होती क्या है तो अगर हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो ये एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है विच कैन कन्वर्ट एसी पावर इंटू डीसी पावर ठीक है तो इसका मेन एम क्या है आपका कि ये कन्वर्ट करेगा एसी पावर को डीसी पावर में क्लियर है अच्छे से तो पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कैन कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर क्लियर है अच्छे से नाउ एसी टू डीसी कन्वर्जन जो है वो क्यों चाहिए हमें क्योंकि जो आपके मैक्सिमम सर्किट्स है ना वो डीसी पावर पे ही ऑपरेट होते हैं क्लियर है अच्छे से तो एसी टू डीसी पावर कन्वर्जन इज नीडेड बिकॉज़ मैक्सिमम सर्किट्स ऑपरेट ऑन डीसी नाउ यहां पर पावर सप्लाई का अगर मैं स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम आपको शो कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में हमें स्टडी क्या क्या करना है तो जो सबसे पहला ब्लॉक होता है आपका वो होता है फायर ठीक है तो सबसे फर्स्ट ब्लॉक हमारा होता है फायर तो आप प्योर एसी इनपुट देते हैं रिएक्टिफायर में इसके बाद आपका अगला ब्लॉक होता है फिल्टर ठीक है एंड देन आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है वो होता है आपका रेगुलेटर क्लियर सो होता क्या है बेसिकली प्योर एसी सिग्नल जो है वो रिएक्टिफायर से पास होता है और आपको मिल जाता है पलसेटिंग पल्सेटिंग डीसी ठीक है पल्सेटिंग डीसी का मीनिंग क्या होता है ऑल दो रिएक्टिफायर फिल्टर रेगुलेटर ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेकिन ब्रीफ में अगर मैं आपको अभी बताऊं तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है एसी और डीसी दोनों ठीक है तो एसी प्लस डीसी दैट मींस आपने प्योर एसी को कन्वर्ट कर दिया एसी प्लस डीसी में ठीक है और जो एसी पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है क्या है अनडिजायर्ड है क्योंकि आपका जो टारगेट है वो किस में कन्वर्ट करने का है आपका टारगेट कन्वर्ट करने का है प्योर एसी को डीसी में एसी पावर टू डीसी पावर नाउ फिल्टर फिल्टर क्या करता है फिल्टर कन्वर्ट कर देता है फ्लक्चुएटिंग डीसी में ठीक है तो फिल्टर जो है वो कन्वर्ट कर देगा आपका फ्लक्चुएटिंग डीसी बेसिकली फिल्टर क्या करता है एसी पार्ट को रिमूव कर देता है और आपको सिर्फ डीसी पार्ट देता है लेकिन जो डीसी पार्ट मिलता है वह फ्लक्चुएटिंग मिलता है ठीक है ना अब इस फ्लक्चुएटिंग डीसी या अनस्टेबल डीसी पार्ट को रेगुलेटर के थ्रू हम स्टेबल डीसी या रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो रेगुलेटेड डीसी और स्टेबल डीसी क्लियर है अच्छे से तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है पावर सप्लाई का ठीक है आप सबसे पहले प्योर एसी सिग्नल को रिएक्टीफायर के थ्रू पल्सेटिंग डीसी दैट इज एसी प्लस डीसी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें एसी पार्ट अनडिजायर्ड होता है इस अनडिजायर्ड एसी पार्ट को आप फिल्टर का यूज करते हुए फिल्टर भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एलसी फिल्टर एल फिल्टर सीएलसी फिल्टर बहुत सारे फिल्टर्स हैं तो फिल्टर का यूज करके आप फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हो पल्सेटिंग डीसी को देन आप रेगुलेटर का यूज करते हो रेगुलेटर भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो रेगुलेटर के थ्रू आप फ्लक्चुएटिंग डीसी को स्टेबल डीसी में कन्वर्ट कर देते हो क्लियर है यहां तक नाउ यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करता हूं कि ये जो हमारा प्योर एसी है और पल्सेटिंग डीसी है इसमें डिफरेंस क्या होता है ठीक है प्योर एसी और पल्सेटिंग डीसी में तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है प्योर एसी प्योर एसी क्या होता है आपका ठीक है ना हम जानते हैं तो है. है? है प्योर आप देखोगे अगली वीडियोस में जब आप रिएक्टिव फायर स्टडी करोगे पल्सेटिंग डीसी में आपको डायग्राम कुछ ऐसे मिलता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये पीरियोडिक है ठीक है ये कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये प्योर डीसी तो नहीं है ठीक है अगर ये प्योर डीसी होता तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती तो यहां पर जो सिग्नल है आपका वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसमें एसी पार्ट भी है और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपका यूनिडायरेक्शनल है क्लियर और यहां पर जब आप इस तरह के सिग्नल्स की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो या डीसी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो नॉन जीरो आती है। आप पढ़ोगे अगली वीडियो में कि कैसे हम रिएक्टिफायर स्टडी करेंगे और कैसे आपकी हाफ वेव रिएक्टिफायर और फुल वेव रिएक्टिफायर में जो आउटपुट आपको मिलेगा जो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा उसमें आपकी एवरेज वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी तो अगर आप साइनोसॉडर सिग्नल की बात करते हो तो जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए आप देख सकते हो जितना हाफ ऊपर है उतना ही हाफ नीचे है तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जीरो हो जाती है ठीक है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं तो प्योर एसी में जो डीसी पार्ट होता है वो जीरो होता है जबकि पल्सेटिंग डीसी में डीसी पार्ट नॉन जीरो होता है इसलिए आप बोलते हो यहां पर कि एसी पार्ट भी प्रेजेंट है और डीसी पार्ट भी प्रेजेंट है ठीक है तो यहां पर आप क्या क्या बोल सकते हो देखो पीरियोडिक है ये जो आपका प्योर एसी है और साथ ही साथ पल्सेटिंग डीसी भी पीरियोडिक है ठीक है एक और पॉइंट क्या बोल सकते हो कि प्योर एसी जो है आपका वो बाई डायरेक्शनल है जबकि ये जो है आपका यूनि डायरेक्शनल है ठीक है बाई डायरेक्शनल का मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है ये आपका सिर्फ पॉजिटिव साइड है ठीक है प्योर एसी में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो वो ये है कि आपकी सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है साइन वेव साइन वेव क्या होता है साइन ओमेगा टी ओमेगा एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ठीक है वन फ्रीक्वेंसी हाइयर हारमोनिक्स बेसिकली प्रेजेंट नहीं है प्योर एसी में हायर हारमोनिक्स मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा नॉट नॉट साइन टी सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी प्रेजेंट है जबकि यहां पर जो आपका प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म नहीं है जो पल्सेटिंग डीसी वेव फॉर्म है उसमें आप बोलते हो कि इट कंसिस्ट हाइयर हारमोनिक्स ऑल्सो ठीक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, तो हाइयर हारमोनिक्स भी यहाँ पर आपके प्रेजेंट तो आप यह बोल सकते हो कि ठीक है? कोई भी अगर है, तो वो कंटेन करेगा हाइयर हारमोनिक्स क्लियर है इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर आपका डीसी वैल्यू क्या है जीरो और यहां पर आपका डीसी वैल्यू जो है वो क्या है नॉन जीरो ठीक है तो डीसी वैल्यू को हम प्रूफ भी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में अभी के लिए अब अगर हम स्टार्ट करें फायर तो बेसिकली आपका रिएक्टिफायर होता क्या है ठीक है तो रिएक्टिफायर की अगर डेफिनेशन मैं वापस से आपको बोलूं तो फायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच कन्वर्ट्स प्योर एसी सिग्नल ठीक है प्योर एसी सिग्नल टू पलसेटिंग डीसी सिग्नल ठीक है तो रिएक्टिफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है प्योर एसी टू पल्सिंग डीसी ऑलरेडी हम डिफरेंस देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में नाउ यहां पर आप पॉइंट भी बोल सकते हो कि रिएक्टिफायर एक सर्किट है विच कन्वर्ट्स करता है बाई डायरेक्शनल वेव फॉर्म को यूनि डायरेक्शनल वेव फॉर्म में जो हमने यहां पर स्टडी किया है यह आपका प्योर एसी क्या है बाई डायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी क्या है यूनी डायरेक्शनल ठीक है रियक्टिफायर इज सर्किट विच कन्वर्ट्स क्लियर है ना पीरियोडिक है पल्सेटिंग डीसी जो है वो पीरियोडिक है जो कि एसी बिहेवियर को इंडिकेट करता है क्लियर है अच्छे से नाउ तो रिएक्टिफायर जो आपको स्टडी करने है बेसिकली आपको स्टडी करने हैं हाफ वेव रिएक्टिफायर ठीक है फुल वेव रिएक्टिफायर ठीक है तो ये दो टाइप के रिएक्टिफायर आपको स्टडी करने हैं हाफ वेव एंड फुल वेव फुल वेव के अंदर भी आपको टू इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्टिफायर स्टडी करने हैं एक होगा आपका सेंटर टैब्ड ठीक है तो सेंटर टैब्ड फुल वेव रिएक्टिफायर और एक होगा आपका ब्रिज रिएक्टिफायर ठीक है तो सेंटर टेब्ड रियक्टिफायर एंड ब्रिज रियक्टिफायर ये दो टाइप के रियक्टिफायर आपको डिटेल में स्टडी हैं क्लियर है तो बेसिकली हाफ वेव क्या होता है या फुल वेव फुलफायर क्या होता है ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़नी है और इसके अलावा आपका जो फर्स्ट टॉपिक है पावर सप्लाई वो क्या होता है उससे हम क्या अचीव करते हैं ठीक है तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर अगर आप बात करते हो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ठीक है तो हम लोग काफी डिटेल में सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और आपको भी अच्छे से सब्जेक्ट को स्टडी करना है और इसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक बार रिवाइज कर लेना है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सिलेबस जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे थैंक यू